मां बाप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, ये राजधानी पटना में पहला ऐसा मामला है कि विकास को लेकर के विकास का झगड़ा है। हम बात कर रहे हैं कि जो गैस एजेंसी थी जिसने पहले पाइपलाइन बिछाया राजधानी पटना में कि घरों तक कैसे आसानी से गैस पहुंचाया जाए, और उसके बाद फिर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट आया जिसके बाद राजधानी के लोगों को यह एहसास हो गया कि शायद विकास ही विकास है, लेकिन अब इन दो कंपनियों में झगड़ा हो गया है इस बात को लेकर के कि गेल इंडिया जो कंपनी थी जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि पूरे राजधानी पटना में गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाना था, और ये काम पूरा भी हो चुका, लेकिन अब जब मेट्रो का काम शुरू हुआ है तो विवाद खड़ा हो गया है, और ये विवाद दो कंपनियों के बीच शुरू हुआ है। गेल का कहना है कि जब सरकार को ये बात पता थी कि यहाँ पर से मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू होना है, यहाँ पाइलिंग होनी है, तो फिर हमें हरी झंडी क्यों दिखाई गई कि आप यहाँ से गैस पाइपलाइन डाल सकते हैं, जबकि इस पर टोटल 21,000 करोड़ का खर्च आया। और ये कहानी जो है पटना के सबसे चर्चित अशोक राजपथ की है, जहाँ पर गैस पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन जब पटना मेट्रो का काम शुरू हुआ और पाइलिंग के निर्माण का जब मामला आया तो दोनों कंपनियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। अब इस मामले को लेकर के कई दौर की बैठक जो है वो हो चुकी है। गेल के लोगों का कहना है कि हमने सरकार से अनुमति लेकर के पाइपलाइन शुरू किया था और हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका, और करोड़ों का नुकसान हमें हो सकता है कि अगर हम इसको हटाते हैं तो, और जो समय लगेगा वो अलग मामला है, लेकिन पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का ये मानना है कि हमें वहीं पाइलिंग करनी है जहाँ हमें निर्माण के लिए हरी झंडी दी गई है। तो ये विवाद जो है विकास को लेकर के है। हालांकि स्मार्ट सिटी की ये कहानी राजधानी पटना पे देखिए, वैकल्पिक रास्ते हैं, लगातार गाड़ियों को इधर से उधर जाने का निर्देश दिया जाता है, और ये सारा निर्देश कंपनियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब दो कंपनियों के बीच में आपस में विवाद खड़ा हो गया है, और ये विवाद जो है गैस पाइपलाइन को लेकर के गेल जो थी उसकी जिम्मेदारी थी पहले, और अब वो ये कह रही है कि जो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट है वो हमारे साथ धोखा कर रही है, जबकि ये सारा इल्ज़ाम सरकार के सामने भी जा चुका है। कई दौर की जो है मीटिंग वो समाप्त हो चुकी है, आदान प्रदान हो रहा है, लोग एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं कि आखिर हमने जो काम किया उसमें करोड़ों का जो नुकसान होगा उसकी कौन भरपाई करेगा। जो समय सीमा तय थी उस समय सीमा में गेल ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, गैस पाइपलाइन बिछा दिया, लेकिन अब जो हंगामा और विवाद शुरू हुआ है वो अशोक राजपथ पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, और ये पाइलिंग को लेकर के हुआ है। तो अब ये देखना है कि ये विवाद कहाँ जाके सुलझता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये बातें जाती है या जो कंपनियां हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत कर लेंगी। तो कुल मिलाकर के ये पहला ऐसा मामला राजधानी पटना में कि विकास को लेकर के विकास की लड़ाई जो है वो जारी है, गैस पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन फिर अब उसे उखाड़ने की नौबत आ गई है, इसलिए कि सुंदर पटना बनाने के लिए पटना मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो अपना काम कर रहा है, 2024 में इसकी शुरुआत भी होनी है, और ये विवाद अशोक राजपथ पे हुआ है। तो अब देखना यह है कि पहला वाला विकास यानी गैस पाइपलाइन वाला विकास की जीत होती है या जो नया विकास अभी आ रहा है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट उसकी जीत होती है। तो कुल मिलाकर के ये विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है, दोनों कंपनियां आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है, और ये कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जब मामला था कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट इधर से ही शुरू होना है, यहीं पाइलिंग होनी है, तो फिर गेल को अनुमति क्यों दी गई जबकि करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अब देखना है कि इस विवाद को कौन सुलझाता है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।